फांसी। ससुरवार वालों की वजह से वो घर छोड़ के मंदिर में गई, पुलिस स्टेशन में जेल में सड़ना मांगता है। वो वकील पत्र नहीं लेना चाहिए कि उसके घर में माँ बहन नहीं क्या? मेंटली बहुत पीड़ित होता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, वो यही देखता है कि मैं कहाँ, मुझे भगवान का ही एक आसरा होता है कि ससुरवार वालों को भी अरेस्ट करना जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से वो घर छोड़ना पड़ा और इनको भर इसमें फांसी होनी ही चाहिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेलीविजन। सील डायघर के हद में एक मंदिर परिसर में 30 साल की महिला अक्षता महात्रे की रेप के बाद हत्या का मामला कुछ दिन पहले सामने आया था और इसी मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तमाम महिलाएं आज सील डायघर पुलिस स्टेशन पहुंची थीं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। महिलाओं का कहना है कि महिला के हत्यारों का केस कोई भी वकील न लड़े और तीनों आरोपियों की ये महिलाएँ फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। साथ ही मृतक महिला के घर वाले जो नवी मुंबई में रहते हैं, परिवार वालों से ही झगड़ा करके ये महिला मंदिर परिसर पहुंची थी तो परिवार वालों पर भी शिकायत दर्ज की जाए, ऐसी मांग महिला कार्यकर्ता कर रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस ने उनसे कहा है कि सील डायघर पुलिस स्टेशन के हद में मंदिरों में कौन पुजारी है, कौन काम करने वाला है, उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। महिलाओं ने इस पूरे मामले को लेकर आज पुलिस स्टेशन पहुंची थी जो शिवसेना शिंदे गुट की तमाम महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। इन लोगों ने पुलिस से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पूरी टीम के साथ आप आई हैं, क्या कहेंगे? उसको न्याय देने के लिए तो हम लोग आए इधर, लेकिन वो बिचारी नहीं बच गई। वो नराधाम जो है उसको पुलिस लोग ने अटक किया है। हमारा एक ही बात है, क्या उनका वकील ने वकील पत्र नहीं लेना चाहिए? उसको ऐसा ही पुलिस स्टेशन में जेल में सड़ना मांगता है वो कि उसके घर में माँ बहन नहीं क्या? वो भी किसी की माँ बहन थी ना, वो सोच उनको आने के लिए मांगता था ना, वो गलत काम किया उसने। क्या सजा मिले? फांसी 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 होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अरे उनके ससुरवार वालों को, क्योंकि उनके ससुरवार वालों की वजह से वो घर छोड़ के मंदिर में गई। वो उनके सही तरीके से संभाल करते तो उनको घर छोड़ना नहीं मांगता। उनको ससुरवार वाले जितने भी घर में लोग हैं उनको भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पहले जबरदार वही लोग हैं उनके ससुरवार वाले, क्योंकि वो उनका अच्छी तरह से संभाल नहीं करते तो वो घर छोड़ के नहीं जाती और उनके ऊपर ये अत्याचार नहीं घटता। इसलिए उनको भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको भी सजा होनी चाहिए कि आगे तरीके के कोई भी ससुरवार वाले लोग लड़कियों के ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ससुरवार वालों को अरेस्ट करना चाहिए। वो नराधम को तो फांसी होना जरूरी है, लेकिन ससुरवार वालों को भी अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही वो घर छोड़ना पड़ा। वो घर नहीं छोड़ती तो वो मंदिर में नहीं जाती तो ये अत्याचार उनके ऊपर नहीं होता। मेन जबरदार उनके ससुर वाले, उनके ससुर वालों को अटक होना बहुत जरूरी है। अनिता मैडम क्या बताएंगी, भगवान के मंदिर में ऐसे कुकृत्य नराधमों ने किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीड़ित महिला जो कृत्य हुआ वो अतिशय निंदनीय है, उसका हम तीव्र निषेध तो करते ही है, लेकिन ये जो काम किया गया है वो वहाँ पे कुछ काम करने वाले थे, जो पुजारी मेन पुजारी थे वो वहाँ पे नहीं थे, और वहाँ पे जो काम करने वाले थे उन्होंने ये बहुत गलत किया है जिसका हम तीव्र निषेध तो करते ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे आदरणीय खासदार साहब उन्होंने पुलिस स्टेशन में बाकायदा रिपोर्ट दे दी है कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट तो किया है, लेकिन जैसे हमारे ताई ने बोला है कि इनका वकील पत्र भी नहीं लेना चाहिए और इनको भर इसमें फांसी होनी ही चाहिए। और जैसे हमारे महिलाओं का आप तीव्र आक्रोश देख रहे हैं कि हम खाली पीड़ित जो जिन्होंने घृणास्पद कृत्य किया है उनका ही नहीं निषेध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके जो ससुराल वाले हैं, क्योंकि लड़की बहुत ही मेंटली स्ट्रेस में थी, इंसान जब मेंटली बहुत पीड़ित होता है उसको ध्यान नहीं रहता है, वो यही देखता है कि मैं कहाँ, मुझे भगवान का ही एक आसरा होता है, तो वो उस हिसाब से मंदिर में गई थी और उनके साथ ये गलत काम किया गया, तो हम पूरा तीव्र विरोध करते हैं और वकील पत्र ना ले, अदरवाइज जो शिवसेना हाँ वापस रास्ते पे उतार के छोड़ेंगे नहीं, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब वो पीड़ित को न्याय देंगे।
अच्छा एक बात सवाल और उठता है कि मुख्य पुजारी जो है वो कहीं घर गांव में जी जी, तो जो लोग वहाँ पर तीन लोग को रहने के लिए कहा गया था जी, तो मंदिर प्रशासन जो है वो पहले जांच पड़ताल करता कि इनकी छवि कैसे है जी। हम देखिए कैसा है ना, रखा जाता है बराबर है आपका। देखिए हमने अभी अभी आदरणीय यहाँ के जो शिंदे साहब है उनसे यही सवाल किया है, तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया है कि यहाँ पे जितने भी, एक तो ये मंदिर ट्रस्ट नहीं है, और यहाँ पे जितने भी लोकल जो मंदिर है वहाँ के लिए उन्होंने एक आदेश निकाला है कि जो भी मुख्य पुजारी रहेगा वहाँ पे, जो भी काम करने वाला रहेगा या आउटसाइडर जो भी आएगा, तो उनका बाकायदा एक वेरिफिकेशन होके ही वो होना चाहिए। देखिए ये सब बातें पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं हो, ये हुई नहीं है, इसलिए ये दुर्दैवी घटना घटी है। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर पेट्रोलिंग तो होना ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसे मंदिर या जो भी ट्रस्ट है उनको आप बाकायदा एक नोटिस दे दीजिए।